एड्स देने वाली वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1981, बी 1983, सी 1986 और डी 1980। इसका उत्तर है 1981। घातक मलेरिया फैलाने वाला मलेरिया परजीवी है। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होते हैं, बी प्लाज्मोडियम वैक्स होते हैं, सी प्लाज्मोडियम ओवेल होते हैं और डी प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। इसका उत्तर है प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? ऑप्शन ए डायबिटीज मिलिट्स, बी हेमोफिलिया, सी कैंसर और डी मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसका उत्तर है हीमोफीलिया। मलेरिया मादा एनिफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन ए रोनाल्ड रॉस, बी एडवर्ड जेनर, सी लुई पाश्चर और डी रॉबर्ट कोच। इसका उत्तर है रोनाल्ड रॉस। डाउन सिंड्रोम वाली व्यक्ति उपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? ऑप्शन ए मस्तिष्कघात, बी हंटिंगटन रोग, बी सी अल्जाइमर रोग, डी तनिका शोथ। इसका उत्तर है अल्जाइमर रोग। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? ऑप्शन ए नवजात, बी 10 वर्ष में, सी 15 दिन के भीतर और डी 2 से 3 वर्ष के भीतर। इसका उत्तर है नवजात। रेबीज क्या है? ऑप्शन ए जीवाणु जनित रोग, बी विषाणु जनित रोग, सी प्रोटोवा अजनित रोग और डी कृमि जनित रोग। इसका उत्तर है विषाणु जनित रोग। प्लेग किससे फैलता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, बी जीवाणु, सी विषाणु और डी उपयुक्त शब्द। इसका उत्तर है जीवाणु। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? ऑप्शन ए त्वचा का पर्दा, बी हैजा, सी पोलियो और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है त्वचा का पर्दा। थैलोसेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए दिल, बी फेफड़ा, सी खून और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है खून।